जिस तरह से बीतो दिनों ये रिश्ता क्या कहलाता है कि पूरी टीम ने अपने 3000 एपिसोड पूरे होने की खुशी में पार्टी का आयोजन किया था और पार्टी के दौरान सबने खूब मस्ती मजाक और खूब एंजॉय किया था। पर उस दौरान ये पार्टी विवादों में घिर गई है, क्योंकि इस पार्टी में आपको वो पुराने स्टार, वो पुराने सीरियल के कास्ट नहीं दिखाई दिए जो कि मौजूद होने चाहिए थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हीना खान, जिन्होंने अक्षरा का रोल प्ले किया था, और करण मेहरा, जिन्होंने नैतिक का किरदार निभाया था। वहीं कांची से लेके काफ़ी सारे कलाकार इस पार्टी में नहीं मौजूद थे। बताया ये जा रहा था कि राजन शाही ने इन्हें इन्वाइट ही नहीं किया था। जैसा कि हम आपको बता दें कि राजन शाही ने खुद इस पर बयान देते हुए भी ये कहा था कि मैंने ये पार्टी सिर्फ उनके लिए रखी है जो हाल फिलहाल में शो का हिस्सा हैं, यानी कि उनकी पुरानी टीम से उन्हें कोई लेना देना नहीं, जिस पर उनके फैंस ने काफ़ी आलोचना की थी। जी हाँ, इस सीरियल को जितने भी दर्शक देखते थे उनकी द्वारा मेकर्स पर आलोचनाएं की जा रही हैं, क्योंकि लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि मेकर्स ने ऐसा किया, क्योंकि वो भी एक टीम का हिस्सा थी, लेकिन उन्होंने उन लोगों को पार्टी में क्यों नहीं बुलाया। अब इस दौरान राजन मेहरा की माफ़ी समझिए या कुछ और समझिए, पर उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए करण मेहरा को थैंक यू कहते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने पार्टी में उन्हें इनवाइट नहीं किया, लेकिन करण मेहरा ने सबसे पहले 3000 एपिसोड पूरे होने पर उन्हें बधाइयां दी थी। जी हां, हम आपको बता दें कि उस दौरान राजन शाही ने ट्वीट करके करण मेहरा को थैंक यू कहा है, पर हम आपको बता दें कि लोग उनके इस थैंक यू को एक तरह से गलती का एहसास होना माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी लोगों को लग रहा है कि राजन शाही उनसे माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वहां उन्हें बुलाया ही नहीं। आपको बता दें, उन्होंने ट्वीट में लिखा है, थैंक यू करण, मुझे और ये रिश्ता की टीम को सबसे पहले 3000 एपिसोड पूरे होने की खुशी पर बधाई देने के लिए थैंक यू, और आप बाहर और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। काफ़ी कुछ है कहने को, लेकिन तब कहूँगा जब हम मिलेंगे, आशीर्वाद। ये पूरा का पूरा उनका ट्वीट इस तरह से दर्शाता है कि वो राजन शाही को इसके ज़रिए फैंस की आलोचनाओं को कम करना चाहते हैं, यानी कि एक तरह से वो अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो इसके माध्यम से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। नेक्स्ट 9 लाइव से नाजमिन की रिपोर्ट।